राम राम। हमारे बीच में हमारी झज्जर से विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार की कांग्रेस पार्टी की हमारी बहुत वरिष्ठ प्रदेश की हमारी वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती है और हमेशा आपके हकों की आवाज़ हरियाणा के विधानसभा में बहुत सुलझी हुई तरीके से उठाने का काम करती हैं हमारी बहन गीता भुक्कल जी, हमारे भाई जो आज विशेष तौर से रेवाड़ी से चल के यहाँ पर आए हैं और वो भी हरियाणा का उज्जवल भविष्य है, क्योंकि बड़ी सूझबूझ से वो भी आपके हकों की आवाज़, अपने विधानसभा क्षेत्र के रेवाड़ी के हकों की आवाज़ हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में उठाते हैं। उन्होंने भी अपना नाम बहुत थोड़े समय में, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो एक चीज़ है, पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी है वो आपको भी पता है, लेकिन उसके बाद उस पारिवारिक पृष्ठभूमि के बीच में से आकर अपना स्वयं की एक साख बनाना, नाम बनाना, ये आदमी की काबिलियत पे निर्भर होता है। और वो जो जब कभी पहले कदम राजनीति में बढ़ाए जाएं तो सबसे पहली अग्नि परीक्षा वो देनी होती है। उस अग्नि परीक्षा में जो सफल हुए हैं और उन्होंने अपनी काबिलियत से अपनी छाप हरियाणा की विधानसभा में छोड़ने का काम किया है, उनका मैं विशेष तौर से स्वागत करता हूं और उनका आज वो यहाँ पे आए हैं उनका धन्यवाद करते हैं आने पे, और उनको इस बात के लिए भी हम स्वागत करते हैं क्योंकि वो हमारे जिले के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं। तो हमारे भाई चिरंजीव राव जी जो कि झज्जर के हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, तो हमारे प्रभारी हो आप, तो आप हमारे प्रभारी हो और हम अब जो प्रभारी होता है उसके दिशा निर्देश से पार्टी के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि आपको यहाँ पे प्रभारी बनाया गया है, ये भी आपका ही इलाका है हमारे भाई चिरंजीव राव जी। और आपने भी देखा होगा थोड़े ही शब्दों में आज आपने उनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा लिया होगा, लगा लिया कि नहीं लगा लिया। और ये एक बड़ी खुशी की बात, ये हरियाणा के आने वाले समय की एक अच्छी टीम आपको दिखाई दे रही है हमारे भाई चिरंजीव राव जी। आपके बादली से संघर्षशील एक ऐसे विधायक जो दिन और रात आपके बीच में सुख दुख में रहके और हर आपकी बात का, विकास की बात हो, नौजवानों के अच्छे भविष्य की बात हो, उसके हर संघर्ष में एक भाई और एक कार्यकर्ता की तरह हमेशा शामिल रहते हैं। और यहाँ तक कि भी कोरोना में इनकी सेहत ऐसी बिगड़ गई कि हमें एक बार चिंता होती थी, लेकिन उसके बावजूद अपनी सेहत की चिंता ना करके लोगों के बीच में रहकर, लोगों के सुख दुख में शामिल होकर और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए दिन रात प्रयास करने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो कुलदीप वत्स हमारे विधायक हैं। कुलदीप वत्स हमारे बहुत ही आदरणीय चौधरी राज सिंह जाखड़ जी, हमारे यादव सभा के प्रधान हमारे वीरेंद्र, सारी बात कह दी गई है, ज़्यादा मेरे को आपके बीच में कहने के लिए, पर आप लोग बहुत देर से भी बैठे हैं, मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं है तो मैं लंबी बात आपके बीच में नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बातें जो समाज की आज का जो कार्यक्रम, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आज इतना भव्य रूप में जो ई लाइब्रेरी का यहाँ पर स्थापन किया गया है, निर्माण, मैंने देखा बहुत अच्छी तरीके से पूरी कमेटी उन्होंने अच्छा काम किया है। और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी आपकी पूरी कमेटी एक गांव में गई, सारे गांव के अंदर आज हर गांव से यहां पे हाजिरी दिखाई दे रही है, तो इस बात के लिए पूरी कमेटी बहुत बहुत बधाई के पात्र है, पूरा समाज बधाई के पात्र है। आप सबको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कुछ जो जहाँ तक समाज की तरफ से कुछ मांगों की बात आपने रखी है,
जहां तक अही रेजिमेंट की बात है, इसमें कोई हो रहा है नहीं, ये जायज मांग है, ये आप भी जानते हैं, आपका दिल भी जानता है, हमारा दिल भी जानता है। अगर कोई इलाका पूरे देश में ऐसा इलाका है जहां लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान, उस नारे की गूंज किसी इलाके में हर गांव में हर कोने में अगर सुनाई देती है तो दक्षिण हरियाणा का ये इलाका है। हर गांव के अंदर अगर शहीद प्रतिमा कहीं लगाई देती है पूरे देश में, ये वो देश देशभक्त इलाका है। जब भी कभी देश के दुश्मन ने इस इलाके पे अगर गलत नज़र से हमारे देश की तरफ भारतवर्ष की तरफ देखा तो हमारी देश की सुरक्षा में अगर सबसे अग्रणी होकर अपना बलिदान देने के लिए कोई आगे आया तो ये दक्षिणी हरियाणा का इलाका आया, तो अहिरवाल का इलाका आया, तो हमारा अहिर समाज का जो शौर्य है उसके बारे में और देश के लिए जो देशभक्ति की भावना है, फौज के लिए काम करने की जो भावना है वो हमारे इलाके में, उसकी मिसाल देश में कहीं और नहीं। और इसीलिए यही रेजिमेंट की मांग जायज़ है और इसीलिए मैं आपकी मांग के लिए लगातार आप लोगों ने भी उस बात को उठाया, संसद के अंदर जैसा हो पाया संसद में मैंने भी अपनी तरीके से जितनी इस मांग को रख सकता था बार बार इस मांग को रखा। और ये बात अगर गलत कह रहा हूँ मैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज सरकार है जिनकी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो जब आपने देश में अपना जब चुनाव का प्रचार अभियान शुरुआत करी और देश के एक्स सर्विसमैन की रैली की बात आई कि एक जगह और वन रैंक वन पेंशन का नारा दिया जाएगा, तो पूरे देश में आपने चयन किया तो रेवाड़ी का चयन किया, ये मैं याद करना चाहता हूँ। और आज वही रेजिमेंट की मांग हो रही है तो आपको उसमें सोचना चाहिए और इसीलिए इस मांग के लिए हम प्रयास करेंगे। ये सही बात है कि ये केंद्र की सरकार की बात है, मगर केंद्र में अगर हमें अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर से केंद्र के अंदर, क्योंकि केंद्र के अंदर भी प्रयास जारी हैं, मगर जो है क्योंकि राहुल जी ने एक बहुत बड़ी एक यात्रा करी भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद सारे विपक्षी दलों का की एकजुटता की बात अभी चिरंजीव भी बता रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी की बता रहे थे, हमें याद आता है चिरंजीव, हमें बिहार का चुनाव भी याद आता है, वो दर्द भी हमारे दिल में है। जब बिहार के चुनाव का भी हमें दर्द याद आता है कि जब शाम तक सीटों की गिनती में तेजस्वी यादव आगे चल रहे थे मगर रातों रात जब नतीजा आया तो वो दर्द भी हमारे दिलों में उतना ही है। तो आज एकजुटता के साथ तो प्रयास केंद्र में भी है, बहरहाल केंद्र के अंदर मौका मिला और हरियाणा के अंदर मौका मिला तो हरियाणा में मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि सारे बैठे आने वाले समय के हरियाणा के आपकी जो सरकार है वो यहाँ सारे जो नौजवान बैठे हैं हम सब मिलके पहली कैबिनेट मीटिंग में ये पारित करेंगे कि केंद्र सरकार अहीर रेजिमेंट का गठन करने का काम करे, पहली कैबिनेट मीटिंग, ये हमने पहले भी ये बात कही है। इसके बाद ओबीसी की क्रीमी लेयर की बात आई, निश्चित तौर से क्रीमी लेयर जो 6 लाख है, जब केंद्र सरकार में 8 लाख लिमिट है तो हरियाणा सरकार में ने उसको 6 लाख क्यों किया, और 6 लाख किसी की